तो दोस्तों, समंदर के नीचे बहुत सी रहस्यमय चीजें हैं और वो सब चीजों के हमारे सामने लाने के लिए साइंटिस्ट हर दिन मेहनत कर रहा है और साइंटिस्ट की मेहनत की वजह से हम लोग ये सब मिस्टीरियस चीजों के बारे में जान पा रहे हैं। लेकिन समुंदर के नीचे ऐसी भी बहुत चीज है जिसके बारे में हम नहीं जानते और ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो देखकर आप विश्वास नहीं कर पाओगे, बोलोगे ऐसा भी हो सकता है क्या। तो आज के इस वीडियो पर हम ऐसे ही कुछ अननोन मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, अंडर वाटर म्यूजियम। तो दोस्तों, आप लोग बहुत सी म्यूजियम देखे होंगे, लेकिन क्या आप कभी भी पानी के नीचे कोई म्यूजियम को देखा? जी हाँ दोस्तों, पानी के नीचे भी म्यूजियम होता है। तो मैं आपको जिस म्यूजियम के बारे में बताने वाला हूँ, उस म्यूजियम का नाम है म्यूसियो अटलांटिको। ये एक अंडर वाटर म्यूजियम है और ये स्पेन में बनाया हुआ है। इस म्यूजियम को ब्रिटिश आर्टिस्ट जेसन डेकर टेलर डिजाइन किया है और मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि वो एक बेहतरीन गोताखोर यानी डाइवर है और वो अपनी पूरे जिंदगी पानी के नीचे काम करते हुए बिता दिया है। उसने 300 इंसानों का पुतला बना के पानी के नीचे लगाया है ताकि इसके ऊपर पूरा दुनिया का नजर आए और उनके इस कारनामे से पूरे दुनिया को एनवायरमेंट के बारे में बताना चाहता है। उसके इस म्यूजियम को देखकर ही समझ आता है कि हम लोग यानी इंसान पानी के साथ कैसे जुड़े हुए। और उन्होंने यह भी बोला है कि पानी जितने जल्दी दूषित होगा उतने जल्दी इंसान भी विलुप्त हो जाएगा। और वो यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनाया है वो सब ऐसी मेटल का बना हुआ है कि ये मेटल पानी में रहते हुए कभी भी नष्ट नहीं होगा और पानी को दूषित नहीं करेगा। उन्होंने इस मूर्तियों को ऐसी स्ट्रक्चर दी है जिसके वजह से वहाँ पर समुंदर के मछलियाँ सुरक्षित रह सके। नंबर टू, लेक व्हीकल। ये रशिया के एक बर्फ में ढका हुआ लेक है। इस लेक के अंदर बहुत सी कार वगैरह फंस जाती है और फंसने के बाद यहाँ से निकल नहीं पाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, इस लेक पर ऐसा होने की मेन कारण है वहाँ पर जो रोड होता है उसमें और उसके आसपास जो लेक होता है उसमें बर्फ जम जाता है, तो रास्ता कहाँ पर है ये समझना मुश्किल हो जाता है। इसके वजह से एक कार कभी कभी लेक में चला जाता है और वहाँ पर फंस जाती है और कार निकल नहीं पाता। इस लेक के बारे में स्टडी करके पता चला है कि बहुत साल पहले इस लेक में उल्कापिंड भी गिरा था, तो उसके वजह से इस लेक पर मैग्नेटिक पावर है ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। और ये लेक 5000 फीट तक गहरा है। इस लेक पर पिछले 15 सालों में हजारों के ऊपर गाड़ियां, बोट, ट्रैक्टर, हेलीकॉप्टर और प्लेन भी गिरा है, तो इसी वजह से इस लेक को अंडर वाटर सिमेट्री बोला जाता है, मतलब पानी के नीचे शमशान। इसके नीचे पड़े हुए गाड़ियों को ऊपर ले आना चाहिए, नहीं तो ये सब धीरे धीरे पानी को दूषित कर देगा। लेकिन ये सब अभी तक निकाला क्यों नहीं गया इसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है। नंबर थ्री, एंशिएंट डायनासोर्स। गोताखोर यानी डाइवर जब पानी के नीचे जाता है तब वो लोग सिर्फ कोशिश करता है कि उन लोगों को नया कुछ मिले। लेकिन एक दिन जब बहुत सारे डाइवर समुंदर में जाते हैं तब उन लोगों को वहाँ पर कोई भी मछली नहीं दिखता, लेकिन वहाँ पे उन लोगों को डायनासोर की एक प्राचीन प्रजाति देखने को मिला। 10 फीट के आसपास दिखने वाली ये डायनासोर बहुत ज़्यादा ही बड़ा था, जो देखने में भी डरावना था, और ये अभी के डायनासोर के तुलना में बहुत बड़ा है। लेकिन ये पानी के अंदर कैसे गया इसके बारे में अभी तक कोई भी बोल नहीं पा। कुछ लोग बोलता है सुनामी या भूकंप के वजह से ऐसा हुआ है। इस डायनासोर को यूक्रेन की समुंदर में पाया गया है। नंबर फोर, कोलंबियन डॉन। पहले के टाइम पर प्लेन ना रहने के वजह से लोग एक देश से और एक देश पर जाने के लिए और युद्ध करने के लिए समुंदर के ऊपर जाते थे। और दोस्तों, लगभग 300 साल पहले ब्रिटिश और स्पेन में कोलंबियन समुंदर के ऊपर बहुत युद्ध हुआ था और उस युद्ध को ब्रिटिश ने जीत लिया था, लेकिन युद्ध में स्पेन के सबसे बड़े जहाज डूब गया था। स्पेन के लिए ये एक बहुत बुरा नुकसान था क्योंकि इस जहाज में सोने के साथ साथ बहुत सी महंगी चीजें थी। साउथ अमेरिका से ये सब खरीद कर जहाज स्पेन के लिए चल रही थी। आज के हिसाब से इस जहाज पर 17 बिलियन डॉलर का चीजें था, जो कि इंडियन रुपीज में 1,20,000 करोड़ रुपए होता है। 2015 साल में कोलंबियन के लोग इस शिप को समुंदर में देखते हैं और उसको ढूंढ निकालते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक अभी तक शिप से जो कुछ मिला वो सब कुछ बहुत गिनती है, लेकिन ये सब किसका होगा क्योंकि ये जहाज तो स्पेन की है, तो क्या ये सब कुछ स्पेन को दिया जाएगा? लेकिन ये खजाना तो मिला कोलंबियन के समुंदर पर और ढूंढा भी कोलंबियन के लोग।
तो मिलना भी कोलंबियन को चाहिए। ये फैसला अभी तक नहीं हुआ, इसी वजह से कोलंबियन के गवर्नमेंट अभी तक इसको नहीं निकाला और जिस जगह पर ये मिला है उस जगह को रिवील भी नहीं किया, और हो सकता है कि किसी को ना बताकर निकाल भी लिया। तो दोस्तों यही है आज के वीडियो अच्छे लगे है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और दिल करे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना, और ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑल कर देना, जिसके वजह से नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहना, सुस्त रहना, धन्यवाद।